लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सरदारी बेगम के जीवन और संगीत पर एक लंबा आर्टिकल लिखूं? तहजीब, इट्स नो लॉन्गर न्यूज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, कम्युनल एंगल पर कुछ खोज निकालो तो जबरदस्त आइटम बन सकता है। दैट्स सो ब्लडी बोरिंग। मुझे तो इसलिए इंटरेस्ट है कि हमारे जैसे दकियानुसी माहौल की औरत कैसे ठुमरी सिंगर बनी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिली से भी कटना पड़ा। तहजीब, हमारे रीडर्स को तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तो ऐसे फड़क रही हो जैसे कोई डीप डार्क सीक्रेट सामने आ गया हो। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो ना सही, मैं कहीं और छपा लूंगी। एक तुम्हारा ही पेपर नहीं है? अरे अरे, तुम तो बिगड़ गई। अच्छा अच्छा, सुनो, संडे एडिशन के लिए तुम एक छोटा सा पीस लिख देना, ओके? हम छाप देंगे। हैप्पी, कल रात मैं ये कहने आया था कि मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की बात पक्की हो गई है एंड यू आर ऑन टू कवर इट। हे, मैं भी आ रहा हूं। जैनेट और बच्चे बेंगलोर जा रहे हैं। मैं नहीं जा सकती, मुझे सरदारी वाली कहानी पे और काम करना है। तहजीब, इज दिस स्टोरी मोर इंपॉर्टेंट देन आवर बीइंग टुगेदर? स्टॉप मेकिंग एन इश्यू ऑफ इट। तुम्हारी कन्वीनियंस को देखकर आज तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ टूर्स पर गई, इस बार मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। मैं पानी क्यों भर दिया? और तुम क्या कर रहे हो? बैठे रहना बस, कुछ काम वाम मत करना। आप मुझे नहीं जानते, मैं तहजीब हूँ, जब्बार मामू की बेटी। ले जाओ बेटा। लाइए, मैं आपका हाथ बटाती हूँ। ओफो, लकड़ियां कम करो थोड़ी, आग बहुत ज्यादा हो रही है। हम दोनों पहले नहीं मिले, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब एक दूसरे को करीब से जान सकते हैं, है ना? आपका क्या ख्याल है, भूपी जान की याद को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं सोच रही थी उनकी शख्सियत और मौसीकी पर कुछ लिखूं। आप तो मुझे बहुत कुछ बता सकती हैं। देखिए, आप तो आप मेरी मदद नहीं। मैं कुछ कर सकता हूं? जी हाँ, मैं उन सब लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ जो सरदारी बेगम को करीब से जानते थे। एनी सजेशंस? बंदा आपके सामने खड़ा है, आप जब कहें हाजिर हूं, पर पहले आप हमारे सारंगी निवास फतेह खान साहब से बात कर लीजिए। चचा, चचा जान। हाँ बेटा। आप जर्नलिस्ट हैं, सरदारी बेगम के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं इन्हें समझा दीजिए। अभी, फौरन, दो मिनट में। पागल। नहीं, ऐसे कोई जल्दी नहीं है खान साहब, आप आराम से बताइए। बैठो। हाँ बीबी, बताओ कहाँ से शुरू करूं? आप उन्हें कब से जानते थे? बहुत साल बीत गए, जब पहली बार देखा तो बच्ची ही थी, तब मैं इद्दन बाई का मुलाजिम था। कौन हो तुम लड़की, ऐसे मुंह उठाए काहे घुसाई? मैं गाना सीखना चाहती हूँ। अच्छा, नाम क्या है? सरदारी। वालिद का नाम? महमूद अब्बासी। वो वकील साहब जो सड़क पार रहते हैं? जी। उन्हें इस बात का इल्म है कि तुम मुझसे सीखना चाहती हो? जी नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं है, उन्हें गाना पसंद नहीं। इसकी भी इजाजत आपको ही लेनी पड़ेगी। मुझे?
खैर वो तो बाद में देख लेंगे, अगर अभी कुछ याद है तो सुनाओ। जी मुझे मीर अनीस का कलाम याद है। वही सुना दो। शाबाश बेटी, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। बड़ी दबंग बच्ची है और कितना दर्द है इसकी आवाज में। वाह 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 वाह। जीती रहो बेटी, सलामत रहो। उनकी आवाज में वाकई एक कशिश थी, क्या कहें उसके बारे में। बस यही समझ लो बीबी कि खुदा की देन थी। जब गाती थी तो मैं फिर लूट लिया करती थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात है। शुक्रिया। वाह इद्दन भाई वाह, खूब तैयार किया है तुमने सरदारी को। वाह वाह वाह, आगे चलकर ये तुम्हारी परंपरा की सही नुमाइंदगी करेगी। वाह वाह सरदारी, इधर आइए, जाओ, आइए आइए। तुम्हें जो भगवान ने देन दी है उसकी तरफ कभी लापरवाही नहीं बरतना। ये लो हमारी तरफ से इनाम। आदाब करो बेटी। खाला, ये हेमराज साहब तो संगीत के बहुत बड़े रसिक दिखते हैं। हेमराज साहब सिर्फ संगीत के ही नहीं बेटी, हर खूबसूरत शय के कदरदान हैं। ऐसे मर्दों से बचकर रहना बेटी, तुम्हारी तारीफ की आड़ में कहीं वो तुम्हें ही ना लूट लें। तुम्हें हमेशा सोचना होगा कि अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है बेटा, संगीत। उसके सामने बाकी सब बहुत हल्का पड़ता है। चचा चचा, ये अंगूठी तुम रख लो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो राजा साहब ने आपको दी थी। चचा मैं इसका क्या करूंगी, रख लो ना चचा। खुश रहो बेटा। उस घर में वो उनकी आखिरी रात थी बीबी, उसके बाद वो वहां कभी नहीं गई। हाँ, मेरे अब्बा ने मुझे इसके बारे में बताया था। हाँ यकीनन बताया होगा बीबी। शायद तुम्हें मालूम ना हो, तुम्हारे खानदान वालों ने उन्हें आग कर दिया था, लेकिन इस बात को लेकर सरदारी में कभी कड़वाहट नहीं आई। बड़ा ख्याल रखती थी सबका, खास तौर से तुम्हारे अब्बा जब्बार मियाँ का। मगर अब्बा ने भी तो उनकी मदद की थी जब उनकी माली हालत बिगड़ने लगी। अरे बीबी, तो उन्होंने कौन सा काम किया, दोनों हाथों से देती थी, इतना बड़ा दिल था उनका। मामूजान आ गए। तस्लीम मामूजान। अरे सकीना कैसी हो तुम? अरे जब्बार, आज ईद का चांद कैसे दिखाई दिया? बस वैसे ही आपा पड़ोस में आया था काम से, तो सोचा तुम्हारी बीवी को पता चलेगा ना तो जुलाब का डोज लेना पड़ेगा। मामूजान बैठिए ना, लाइए इसे मैं रख देती हूँ। सकीना मैं अपने भाई की खातिर तवाज़ो खुद संभाल लूंगी, तुम जाओ जरा अपना हुलिया ठीक करके आओ। बाल है कि भीड़ का छत्ता। एक मिनट सकीना, ये देखो तुम्हारे लिए। शुक्रिया मामूजान। ठीक से बाल बनाना और मुंह भी धो लेना। जब्बार भैया बैठो तो। जी। और सुनाओ क्या क्या खबरें हैं? तहजीब कितनी बड़ी हो गई, उसे भी साथ ले आते।
हम भी देख लें एक बार। तहजीब की स्कूल की तालीम तो पूरी हो गई आपा, और यहीं दिल्ली के अच्छे गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिला है उसे, अंग्रेजी अदब में बीए करेगी। माशाल्लाह, अपनी सकीना तो निरी गधी है, पढ़ाई लिखाई का जरा भी शौक नहीं। लेकिन आपा, आपके इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप चाहती तो उसे भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल सकता था ना। उसके लिए मदरसा ही ठीक था। हाँ, तो इस बार किस गरज से आना हुआ? परमिट, सिफारिश, पैसे या कुछ और? वो बात यह है आपा के इन दिनों नकली जेवरात का सीजन तो है नहीं, दिवाली आने तक ही बाजार गर्म होगा। उधर तहजीब की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा है, और शुक्र है खुदा का कि इस घर में किसी चीज की कमी नहीं, और सब इस गले की देन है जो उस ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है। सकीना जी। आपा भी जरा मेरा बटुआ तो लाना बेटा। कौन सा? लाल वाला कारचोबी बटुआ। जी। एक बात कहूं जब्बार, तुम आदत से बड़े आलसी हो। देखिए आपा, आप जानती है मैं सिर्फ इज्जत की कमाई करता हूँ, वरना मेरे पास भी है। जब्बार, तो मेरी कमाई नाजायज है क्या? तुम्हारी बीवी तो यही कहती होगी ना कि सरदारी आवाज बेचती है। बोलो कितने चाहिए? 10,000। 10,000 बहुत होंगे। बस, मैं तो सीना चीर कर दिल निकाल कर देने के लिए तैयार हूँ। मांग कर तो देखो। ये लो 20,000। 20,000 तो अच्छा आपा, आप इसे कर्जा समझिए, मैं जल्दी से जल्दी आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। कर्जा किस वास्ते? ये मेरी भतीजी की तालीम के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अच्छा आपा, चलता हूँ, खुदा हाफिज। चाय पीकर तो जाओ जब्बार। नहीं, कुछ जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगा। खुदा हाफिज बेटे। बड़ी नेक और फयाज दिल खातून थी, मैं तो बेसहारा और यतीम हो गया। बस एक यही अंगूठी निशानी रह गई है उनकी। आप क्या सरदारी आपा पे किताब लिखेंगी? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, अगर मटेरियल मिल गया तो किताब भी बन सकती है। पता मेरी पहली बार आपा से कैसे भेंट हुई थी? उन दिनों वो बहुत कम महफिलों में गाया करती थी, तकरीबन रिटायर हो चुकी थी। मैं तो उनके संगीत पर पूरी तरह से फिदा था, हालांकि कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। आखिर मैंने मिलने का बहाना ढूंढ ही लिया। खुदा हाफिज जब्बार। खुदा हाफिज आपा। फिर कब आओगे? जल्दी आना। अच्छा जी। हम मुरीदों को आपके कदमों में बैठने की इजाजत है? अरे उठो उठो, ये क्या बेहूदगी है? ये मुनीर है और मैं अमूद, हुक्म करें तो हम जान छिड़कने को भी तैयार। मुझे अपने सब चाहने वाले अजीज हैं, खुदा तुम्हें सलामत रखे। चल चल चल। आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? हम अपनी दानव सभा के वार्षिक सम्मेलन में आपकी शिरकत चाहते हैं। मैंने सम्मेलनों में गाना बंद कर दिया है, आप लोगों को संगीत की जरा भी कदर नहीं। पिछली बार गई थी एक सम्मेलन में तो लोग बीच बीच में आ रहे थे, जा रहे थे, आपस में बतिया रहे थे, यहाँ तक कि मेरे सामने बैठकर आलू के चिप्स चबा रहे थे। सम्मेलन नहीं था कमबख्त, गाँव का मेला था। मेला नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि सामान्य अदब से पेश आएंगे। किसने बदतमीजी की तो फौरन कान पकड़ कर निकाल दिया जाएगा। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बेहयाई की भी हद होती है, एक बार कह दिया नहीं गाऊंगी, काफी है। सकीना, जरा इन हजरात को बाहर का रास्ता दिखाना। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए ना, हमारे पास आपके सब रिकॉर्ड हैं। ये देखिए, सरस्वती माँ की कसम, मुझ जैसा शायद आपको शायद ही मिलेगा। बेगम साहब, आपको तो आना ही पड़ेगा। हमने तो
पोस्टर भी छपवा दिए हैं। मान जाइए हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा ठहरो, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी सकीना तुम्हारी सभा में गा सकती है। जी मगर इन्होंने इससे पहले तो कभी गाया नहीं, मेरा मतलब। अरे भाई शुरुआत कहीं से तो करेगी। जानते हो जब मैं इसकी उम्र की थी तो मेरी आवाज में इतनी तैयारी नहीं थी। तुम्हारी सभा की शोभा बढ़ेगी, यकीन मानो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या मुनीर क्या कहता है? ठीक है स्वीकार कर ले। बेगम साहिबा आपका हुक्म सर आंखों पर, आप सिर्फ इतना बता दीजिए हम कितना पेश करें। 15,000। हमारे पास तो कुल 7,500 रुपए हैं। नहीं 10,000 तो मैनेज कर लेंगे। हाट में सब्जी खरीदने निकले हो? मोल तोल की मुझे आदत नहीं, एक बार कह दिया हम 15,000 लेंगे। नहीं ठीक है मंजूर है। और आपको हमारे लिए गाड़ी भी भेजनी होगी। हाँ